For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. सो गाइस आज है 8 तारीख और आज भी हम लेट ही उठे हैं। हम लेट नहीं उठे, मतलब जो दोस्त हैं वो थोड़े लेट हैं। हम तो लगभग 11 बजे से उठे हुए हैं और हमें और जल्दी जगने की आदत डालनी है, जिससे हम जो है सनराइज़ वगैरह को भी कैप्चर कर पाएँ। और कल से हम जो है कोशिश करेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे धीरे धीरे, पहले 8 बजे फिर 7 बजे। और सनसेट तो हम कर ही लेते हैं, पर सनराइज़ को भी कैप्चर करना ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगेगा। सो वो करते हैं और आज के व्लॉग में स्टार्ट करते हैं, और जहाँ भी आज घूमेंगे वो तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डैश बॉय दिवेश सिंह। चलो आज हमने गाड़ी अपने ही होटल के बाहर खड़ी की थी, हम ही लेके आए थे, और अभी हमारे पास ही रहेगी अब क्योंकि वो लोग तो चले जाएंगे। सो गाड़ी हमारे पास ही रहने वाली है, हम भी होटल चेंज करेंगे कल, हम जाएंगे साउथ। सो साउथ में मज़ा आएगा, हम दोनों रहेंगे। और ये हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है, रेड कलर की है, बहुत प्यारी लगती है, ज़्यादा चली नहीं है गाड़ी, तो चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बस पेट्रोल है तो इसलिए थोड़ा सा जब चढ़ाई वगैरह पे जाते हैं तो पावर लॉस दिखता है वहाँ पे चढ़ाई पे, मतलब कि ऐसा लगता है कि गाड़ी ने दम तोड़ दिया। सो चलो यार, धूप हो रही है, अंदर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। वेलकम टू अंजुना। सो अभी हम गाइस अंजुना आए, आज अंजुना बीच, यहीं पर गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है पार्किंग का, यहाँ पता नहीं क्या है, नो पार्किंग लिख रखी है, पर लोगों ने ऐसी खड़ी कर रखी है तो हमने भी ऐसी कर दी। और ये पीछे बीच है पूरा अंजुना, उधर जाएंगे तो उधर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं, उधर पीछे मार्केट है। चलो भाई, कुछ खाया नहीं है सुबह से, कुछ खा लेते हैं, दो तीन बजे वैसे प्लान ड्रॉप। अब चल रहे हैं उधर आगे जाके, यहाँ रेस्टोरेंट नहीं है, वो बंद हो गया क्या है पता नहीं। ये पत्थर भी पहले थोड़े से पीछे थे, यहाँ आगे तक आ गए। चलो चलते हैं। कैसा मजा आ रहा है? अच्छा, पहले चश्मे पहने जाएंगे हैं। तो गाइस अभी जो है बीच पे बस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अभी कुछ खाया था, और इसके बाद फिर निकलेंगे कुछ और। अभी शायद मन हो रहा है कि शायद हम स्पीड बोट वगैरह करें, और उसका कोई श्योर नहीं है। सो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से बैठे हैं, थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। पार्टी मोड, कौन सा पार्टी मोड है, तो रेस्ट वाले, तो ये रिलैक्सेशन वाला है, यहाँ मज़ा आता है, कोई शोर शराबा फालतू नहीं, बस लेटे रहो, धूप है ऊपर, ये लगा हुआ है, ठंडी हवा है, तो धूप नहीं आ रही है और ठंडी हवा आ रही है सामने से, क्योंकि सामने बीच है। सो बस यही है, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें? अंजुना बीच है ये जिसपे हम हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, बिना चश्मे के ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ, चश्मे में फिर वो अंधेरा सो जाता है, वो ऐसा लगता है रात जैसा, सोने के लिए बहुत अच्छा है, मैं सोऊंगी ना इसे पहन के। चलो फिर चलते हैं सोने। बहुत सही है। क्या पी रहे हो तुम? ये हमारा छाता उड़ गया, हमारी छाती उड़ गई।
तो गाइस यहाँ पे ही अभी बैठे बैठे लगभग शाम के 6-7 बज चुके हैं और पूरा मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं पूरा। सामने तुम पीछे का वो देखो क्या लाइट वाइट से, क्या पानी का सही लग रहा है, सही रेस्टोरेंट है, आओ कभी। तो नाम क्या है? कैफे एंटोनिया, कैफे एंटोनिया, एंटोनियो, ओके, कैफे एंटोनियो। ये इस पर पड़ता है, अंजुना पे पड़ता है। तो आओ कभी, शाम के टाइम रुक के जाना, यहाँ पे सनसेट देख के ना मज़ा आएगा। अंजुना बीच का ये पूरा वीडियो है। अंजुना बीच दिन में कैसा लगता है, रात में हम वहीं रुके थे, उसके बाद हम वापस आ गए बागा पे, और उसके बाद 9 तारीख थी आई थिंक उस दिन, और उसके बाद हमने उन लोगों को ड्रॉप कर दिया, उन लोगों की फ्लाइट थी जाना था। उसके बाद मैं और सिमरन गए थे साउथ में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि लास्ट वीडियो मैंने साउथ में एडिट की थी, और हम दोबारा इस टाइम पे जब मैं वीडियो ये लास्ट शूट कर रहा हूँ, हम दोबारा नॉर्थ में आ गए। इस टाइम पे हम बागा पे हैं और हमने ओयो होम लिया है, और इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग है। इस ओयो होम का देखो पूरा घर है हमारे पास 1 BHK, सो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कितने सस्ते में तुम कैसे एक अच्छा घर ले सकते हो, और इसकी पूरी घर वाली हो। दो दो तो बालकनी है भाई साहब, एक इधर बालकनी, एक उधर बालकनी, पीछे देखो ना क्या ये पूरा हॉल है, इसके अंदर एक रूम अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये सब मैं आगे कभी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, अभी तो ये तुम गोवा के व्लॉग्स देखो, ठीक है। और साउथ में भी हम टेंट में रुके, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी है, सो वो भी तुम्हें मिल जाएगी कुछ दिनों में। तो अब इस ब्लॉग को मिल जाएगी कुछ दिनों में, मतलब आज मैं एडिट करूँगा तो कुछ दिनों में नहीं मिलेगी ना, आज एडिट कर लूँगा मैं, पर ब्लॉग तो मैं 1-2 दिन में मिलेगा, वो अभी गोवा के चलेंगे, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ लास्ट में डालूँ चीज़ों को, टेंट भी ले सकते हो, तो लास्ट में पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप कैसे कैसे कर सकते हो यहाँ पर, कार कितने की पड़ती है, बाइक कितने की पड़ती है, हाँ वो सब चीज़ें मैं एक बना दूँगा, ठीक है। सो स्विफ्ट का रिव्यू भी अगर लोग बोलोगे तो स्विफ्ट का छोटा सा रिव्यू बीच में बता दूंगा, क्योंकि स्विफ्ट पेट्रोल की हम चला रहे हैं, रेड कलर की नई गाड़ी है बिल्कुल, ठीक है। सो वीडियो को खत्म कर लेते हैं, सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना भाई, सब्सक्राइब करके जाना, गोवा के बहुत मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं। अगली वीडियो जो है वो सीधी साउथ की होगी, पेलोलिम बीच, पोलोलिम बीच, पेलोलिम पोलोलिम जो भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, उस बीच का आएगा, तो उस बीच का आएगा। हम बेसिकली वहाँ सुबह पहुँच चुके थे, इस वीडियो की जो एंडिंग है वो हमने वहाँ जाके हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमने पूरा ड्राइव किया था, बागा से कम से कम 2.5 घंटे दूर है वो साउथ, ठीक है। सो वो मिल जाएगा आगे, नीचे पूरा बालकनी से पूरा व्यू देखना नीचे। तो चलो फिर बाय।